और थर्ड राउंड का मुकाबले होते हुए शुरू और पर्ची के साथ मुकाबले की तैयारी करते हुए टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन सनी नागर और निक्की भाई भी यहाँ पर मौजूद, एक से एक बड़ा खिलाड़ी मौजूद, निक भी मौजूद, कॉरपोरेट के विराट कोहली कहे जाने वाले निक भी यहाँ पर है मौजूद, और पीटर भाई फ्रॉम दिल्ली भी मौजूद यहाँ पर। थर्ड राउंड मुकाबले की तैयारी होती हुई पर्चियों के साथ जो है प्लेयर है भाई यार यार भरवा तो भरवा दे घंटा भर होगा। चलो भाई कुछ खाने के तुम्हारे घड़ा लग जवाब दे रहा खाने का तो घर में फेर ले। थर्ड राउंड का मुकाबला होता हुआ शुरू, हनुमान और गेंदबाजी करेंगे रिंकू, पहली बॉल और बॉल हो जाएगी डॉट, ये चार चार बॉलों का ही थर्ड राउंड का मुकाबला चलता हुआ। दूसरी बॉल लेकर तैयार और एक और बॉल होगी डॉट, तीसरी बॉल लेकर तैयार और बॉल हवा में हो जाएगी खड़ी, एक और बॉल डॉट, चौथी बॉल और ये भी बॉल होगी डॉट, चार बॉल लगातार डॉट, कोई छक्का नहीं, एक छक्का की जरूरत रवि को मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार रोहित, चार बॉल एक छक्के की जरूरत और डिपर बॉल और बॉल होगी डॉट, तीन बॉल एक छक्के की जरूरत रवि को मुकाबले को जीतने के लिए। रोहित भी तैयार, दूसरी बॉल और बॉल नीचे की तरफ डॉट बॉल, तीसरी बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी और जबरदस्त छक्का, रोहित ब्रॉम नोएडा को भी चीता ही कह देते और मुकाबले को ही जिता दिया। टूर्नामेंट का एक और जबरदस्त मुकाबला लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली के बीच ये मुकाबला खेला जाता हुआ, वर्सेज में आमिर खान फ्रॉम गुड़गांव और ध्रुव जाट के बीच ये थर्ड राउंड का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। बॉल लेकर तैयार आमिर खान फ्रॉम गुड़गांव लोकेश मीना के लिए और बॉल सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त छक्का लगाते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को भी जिताई चेतक, दूसरी बॉल लेकर तैयार आमिर खान, फुल टॉस बॉल और अपने आप से नाराज बॉल हो जाएगी डॉट, बी कॉन्फिडेंट, तीसरी बॉल लेकर तैयार आमिर खान और ये भी बॉल होगी डॉट, बॉल हो जाएगी डॉट, जैसे अभी अंतिम बॉल लेकर तैयार चौथी बॉल आमिर खान लोकेश मीना के लिए और बॉल होगी बैट के बाद अंतिम बॉल और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी और बॉल हो जाएगी डॉट, चार बॉल एक छक्का, दो छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। ध्रुव जाट करेंगे बल्लेबाजी के लिए तैयार, ध्रुव जाट चार बॉल दो छक्कों की जरूरत, पहली बॉल लेकर तैयार शिवम ध्रुव के लिए और बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल लेकर तैयार शिवम और बॉल डॉट बॉल, तीसरी बॉल लेकर तैयार दो पर दो, नो लुक मानना चाहते थे, बॉल हो जाएगी डॉट, एक बॉल पर एक ही छक्का, मुकाबले को टाई के लिए ध्रुव जाट लगा पाएंगे शिवम गौतम और बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए और बॉल हो जाएगी डॉट और इस मुकाबले को जीत जाएंगे लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते हैं। और एक और मुकाबला होता हुआ थर्ड राउंड का, करण और सामने हिमांशु और निक करेंगे बल्लेबाजी करण की और गेंदबाजी करेंगे किसान युवा गेंदबाज वर्सेज एक्सपीरियंस के बीच ये मुकाबला, बॉल लेकर तैयार करण हिमांशु के लिए और बॉल हो जाएगी डॉट, शुभम फ्रॉम अशोक नगर करते हुए बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे करण फ्रॉम पानीपत, दूसरी बॉल लेकर तैयार पहली बॉल दूसरी बॉल और बॉल होगी वाइड, दूसरी बॉल वाइड के बाद करण और जाने दिया बॉल होगी वाइड के बाद फिर तैयार करण और एक और शानदार गेंदबाजी बॉल होगी डॉट, तीसरी बॉल लेकर तैयार करण और एक और बॉल डॉट, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एक बॉल और बाकी है, अभी एक बॉल बाकी, करण भी तैयार और शुभम भी तैयार और ये बॉल होगी डॉट, चार बॉल लगातार डॉट और एक छक्के की जरूरत अब मुकाबले को जीतने के, निक फ्रॉम नोएडा करेंगे बल्लेबाजी, बाज के लिए तैयार निक, चार बॉल एक छक्के की जरूरत, पहली बॉल और बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल और बॉल होगी डॉट,
तीसरी बॉल लेकर तैयार और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, बॉल होगी डॉट, अंतिम बॉल लेकर तैयार और बोल्डी कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज किशन फ्रॉम नोएडा को भी चीता ही कह देते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बाजी के लिए तैयार। करण फ्रॉम पानीपत, तीन तीन बॉल कटाई के बाद ये मुकाबला और किशन फिर तैयार, युवा गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी, बॉल हो जाएगी दर्शकों में लगी उसी का माहौल। दूसरी बॉल लेकर तैयार और ये भी बॉल होगी डॉट, दो बॉल लगातार डॉट, अंतिम बॉल बाकी और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या बॉल पाएगी बाउंड्री के बाहर और नहीं पहुंच पाएगी और बॉल हो जाएगी डॉट। एक ही छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए तीन बॉलों पर। हिमांशु फ्रॉम अशोक नगर को बल्लेबाजी के लिए तैयार शुभम और गेंदबाजी करेंगे करण, तीन बॉल एक छक्के की जरूरत, पहली बॉल लेकर तैयार करण और अच्छी बॉल और बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल करण और बॉल होगी डॉट, एक बॉल पर एक ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और मुकाबले को ही जिता दिया। शानदार छक्का लगाते हुए शिवम फ्रॉम अशोक नगर को भी जीता ही कह देते हैं, मुकाबला ही जिता दिया छक्का लगाकर। और एक और मुकाबला होता हुआ शुरू, लोकेश चाइना और सैंडी भाई फ्रॉम गाजियाबाद वर्सेस उमंग राजपूत और बाउचर के बीच। पहली बॉल लेकर तैयार सैंडी भाई, 4-4 बॉल का मुकाबला और बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल और वाइड बॉल, वाइड के बाद दूसरी बॉल लेकर तैयार जबरदस्त यॉर्कर, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं इस बॉल को, शानदार यॉर्कर मारते हुए सैंडी भाई फ्रॉम गाजियाबाद को भी चीता ही कह देते हैं, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। तीसरी बॉल लेकर तैयार सैंडी भाई, बल्लेबाजी के लिए तैयार बल्लेबाज, तीसरी बॉल और बॉल होगी डॉट, अंतिम बॉल बाकी इस मुकाबले की, अंतिम बॉल बाकी बाहर चले जाए और बॉल होगी डॉट, 4 बॉलों पर एक छक्के की जरूरत लोकेश चाइना को मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाजी के लिए तैयार अब लोकेश चाइना, 4 बॉल एक छक्के की जरूरत और गेंदबाज तैयार उत्तम मावी खाना पीना खा के वापसी करते हुए। पहली बॉल और फुल टॉस बॉल और बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद को भी चीता ही कह देते हैं और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। जबरदस्त मुकाबले रहे और शानदार मुकाबले, एक और जबरदस्त मुकाबला ये शिवम गौतम और लोकेश मीना वर्सेस रिंकू और रोहित के बीच। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। पहली बॉल लेकर तैयार शिवम और बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल लेकर तैयार और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरह, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन, बॉल होगी डॉट, तीसरी बॉल लेकर तैयार शिवम और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी, के कॉटन बॉल का चांस नहीं पकड़ेंगे और बॉल होगी डॉट, अंतिम बॉल बाकी इस मुकाबले की शिवम और बॉल होगी डॉट। शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली को भी जीता ही कह देते हैं। बल्लेबाजी के लिए तैयार लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, 4 बॉल एक छक्के की जरूरत और गेंदबाजी करेंगे रिंकू एक्सपीरियंस गेंदबाज। बल्लेबाजी के लिए तैयार अब लोकेश मीना, पहली बॉल का सामना करेंगे रिंकू और बॉल होगी वाइड के बाद, बल्लेबाजी के लिए तैयार लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, 4 बॉल एक छक्के की जरूरत और बोल्डी कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए युवा और ओल्डिस गेंदबाज रिंकू को भी चीता ही कह देते हैं, बोल्डी कर दिया के लिए तैयार अब शिवम फ्रॉम दिल्ली। बॉल से तो शानदार गेंदबाजी करते हैं, क्या बल्ले से भी करेंगे कमाल शिवम,
जबरदस्त यॉर्कर, बॉल होगी डॉट, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, ये भी बॉल होगी डॉट, अंतिम बॉल बाकी इस मुकाबले की करेंगे एक पर एक, और बॉल हो जाएगी डॉट, और ये मुकाबला भी हो जाएगा टाई। जबरदस्त गेंदबाजी करी रिंकू ने भी, मुकाबला हो जाएगा टाई। दर्शकों में एकदम मनोरंजन का माहौल, सभी दर्शक पूरा आनंद लेते हो क्रिकेट का। यहाँ पर डबल विकेट टूर्नामेंट सेक्टर 33 हेलीपैड पर ये मुकाबला चलता हुआ। तीन तीन बॉल का फिर तैयार मुकाबला, पहली बॉल और बॉल हो जाएगी डॉट, बहुत ही शानदार। दूसरी बॉल लेकर तैयार रिंकू भाई, और बॉडी की तरह पटकी हुई बॉल डालोगे तो बॉल को भेज देंगे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अद्भुत छक्का लगाते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को भी चीता ही कह देते हैं। अंतिम बॉल लेकर तैयार सनी भाई, तीसरी बॉल रिंकू भाई, और फुल टॉस बॉल, और बॉल होगी डॉट। तीन बॉलों पर एक छक्का लगा, 2 छक्कों की जरूरत रवि को मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबला होता हुआ शुरू, गेंदबाजी लेकर तैयार शिवम, बॉल होगी वाइड के बाहर फिर तैयार, 3 बॉल 2 छक्के और बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल लेकर तैयार, 2 बॉल 2 छक्कों की जरूरत, शिवम भी तैयार। दूसरी बॉल लेकर तैयार शिवम, और शानदार गेंदबाजी लहराते हुए दोनों दिशाओं में बॉल को, और एक और बॉल डॉट, एक बॉल पर एक ही छक्का, मुकाबले को टाई के लिए शिवम भी तैयार, और बॉल हो जाएगी डॉट, और मुकाबले को जीत जाएंगे लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली, और सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे अब इस मुकाबले को जीतने के बाद। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, और मुकाबला हो जाएगा समाप्त, और एक और मुकाबला जो इस मुकाबले को जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। जबरदस्त युवा बल्लेबाज शुभम ने काफी शानदार बल्लेबाजी दिखाई, और किशन काफी गेंदबाज युवा ही है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दीपक राणा भी बॉल लेकर तैयार, 4 बॉल का ये मुकाबला, पहली बॉल और जबरदस्त और कर दीपक राणा द्वारा। दूसरी बॉल लेकर तैयार दीपक, सामना करेंगे शुभम, और बॉल होगी डॉट बॉल। तीसरी बॉल लेकर तैयार दीपक राणा, और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, जबरदस्त छक्का लगाते हुए शिवम फ्रॉम अशोक नगर को भी चीता ही कह देते हैं। शुभम शानदार छक्के लगाते हुए, अंतिम बॉल लेकर तैयार इस मुकाबले की दीपक राणा, शुभम करेंगे सामना, और एक और छक्का, शानदार छक्का लगाते हुए शुभम, और एक और लंबा छक्का लगाते हुए शुभम फ्रॉम अशोक नगर को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए युवा बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए तैयार हिमांशु चौहान उर्फ नबी, और 3 छक्कों पर 1100 रुपए का इनाम रेड डेविल्स कॉर्पोरेट की टीम के द्वारा दिया जाएगा। गेंदबाजी करेंगे युवा गेंदबाज किशन, काफी ज्यादा प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में। पहली बॉल लेकर तैयार, पहली बॉल लेकर तैयार, और बॉल हवा में हो जाएगी खड़ी, और बॉल हो जाएगी डॉट। फैन फॉलोइंग इस युवा गेंदबाज की, किशन दूसरी बॉल लेकर तैयार, और शानदार गेंदबाजी करते हुए किशन लगातार 2 बॉल डॉट, और दर्शकों की खुशी का माहौल अलग ही बनता हुआ। तीसरी बॉल लेकर तैयार, और हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त छक्का, हिमांशु चौहान उर्फ नबी को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त छक्का लगाते हुए इस टूर्नामेंट में, एक बॉल पर एक ही छक्का, मुकाबले को टाई के लिए अंतिम बॉल, और बॉल हो जाएगी डॉट, और इस मुकाबले को भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे शुभम और किशन। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पूरे ही टूर्नामेंट में, और मुकाबले को जीत जाएंगे, शानदार गेंदबाजी। और अब एक टीम जो कि इस पर्ची, 3 टीम बाकी इस टूर्नामेंट में, जो उसके हाथ में आएगी वो ही फाइनल में प्रवेश करेगी टीम, और एक टीम इस टीमों में से फाइनल जाएगी, और एक सेमीफाइनल खेलकर फाइनल जाएगी। और पर्ची की भी जिम्मेवारी मेरे ही हाथ में, और ये फाइनल की पर्ची उछल चुकी है। लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान फाइनल में करेंगे प्रवेश, जबरदस्त बल्लेबाज और जबरदस्त
ये खिलाड़ी फाइनल में करेंगे प्रवेश, लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान डायरेक्ट पर्ची के साथ। सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे लोकेश चाइना और सैंडी भाई गाजियाबाद वर्सेस किशन और शुभम, जो कि जबरदस्त बल्लेबाज और मुकाबला जो कि जबरदस्त मुकाबला, तो ही मुकाबले बाकी इस टूर्नामेंट के जबरदस्त मुकाबला रहा और मुकाबला अंतिम पड़ाव पर जारी। और ये सेमीफाइनल मुकाबला होता हुआ शुरू, लोकेश चाइना करेंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे युवा बल्लेबाज गेंदबाज किशन। 6-6 बॉल का ये मुकाबला चलता हुआ, 6 बॉल का ये मुकाबला खेला जाएगा। पहली बॉल लेकर तैयार युवा गेंदबाज और बोल्ड कर दिया, पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया युवा गेंदबाज किशन फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते हैं, और पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज। और बल्लेबाजी के लिए तैयार सैंडी भाई और बॉल जा रही है सामने की तरफ और 6 रन जबरदस्त छक्का और दर्शकों का इशारा और एम्पायर का इशारा भी देखते हैं क्या होगा, लेकिन 4 रन। तीसरी बॉल लेकर तैयार और जबरदस्त बॉल और बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल लेकर तैयार और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी और बॉल होगी डॉट। पांचवी बॉल लेकर तैयार किशन सैंडी भाई के लिए और बॉल गोली की तरह जाती हुई बॉल होगी डॉट बॉल। अंतिम बॉल लेकर तैयार किशन सैंडी भाई और बॉल होगी डॉट और मैडन ओवर डाल दिया जबरदस्त फैन बॉलिंग किशन युवा गेंदबाज की और दर्शकों में खुशी का माहौल। अंतिम पड़ाव पर ये मुकाबला चलता हुआ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए किशन फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते हैं। बल्लेबाजी के लिए तैयार शुभम और गेंदबाजी करेंगे लोकेश चाइना। 6 बॉल 1 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। पहली बॉल और बॉल होगी वाइड के बाद फिर तैयार 6 बॉल 1 छक्के की जरूरत। पहली बॉल और एक और वाइड के बाद फिर तैयार शुभम के लिए लोकेश चाइना और जबरदस्त गेंद और बॉल होगी डॉट। 5 बॉल 2 छक्कों 1 छक्के की जरूरत। दूसरी बॉल लेकर तैयार और जबरदस्त बॉल और बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल लेकर तैयार लोकेश चाइना जबरदस्त एक और बॉल और लगातार 3 बॉल डॉट। चौथी बॉल लेकर तैयार लोकेश चाइना और एक और वाइड। 3 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। एक्सपीरियंस दिखाते हुए पूरा लोकेश चाइना शुभम के लिए। फुल टॉस बॉल और बॉल होगी डॉट। 2 बॉल बाकी और 1 छक्के की जरूरत। मैच का मुकाबले को जीतकर सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे। 5वीं बॉल लेकर तैयार और बॉल होगी वाइड। अगर बॉल आएगी वाइड तो बॉल बढ़ जाएगी। फिर तैयार और बॉल पूरे ऊपर कर और बॉल होगी डॉट। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए लोकेश चाइना 1 बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए। 5 बॉल जबरदस्त और अंतिम बॉल बाकी। क्या शुभम लगा पाएंगे छक्का? लोकेश चाइना अंतिम बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और छक्का लगाकर शुभम फ्रॉम अशोक नगर को भी जीता ही कह देते और फाइनल में प्रवेश करेंगे युवा बल्लेबाज। फाइनल में प्रवेश करेंगे आप और इससे क्या होगा, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और ये मुकाबले को मुकद्दर का सिकंदर और जिसकी सही कहते हैं जिसका वो है उसको कोई नहीं हरा सकता और जबरदस्त मुकाबला रहा और फाइनल में प्रवेश करेंगे शुभम और किशन। शानदार छक्का और फाइनल में प्रवेश करेंगे अब। जबरदस्त मुकाबला रहा और अपने भाई अमित जादौन और फाइनल मुकाबले की और अब फाइनल मुकाबला होता हुआ तैयार लोकेश मीना शुभम गौतम वर्सेज शुभम और किशन के बीच ये मुकाबला खेला जाता हुआ फाइनल मुकाबला। फाइनल मुकाबला होता हुआ शुरू और इस टूर्नामेंट का जबरदस्त टूर्नामेंट। पहली बॉल लेकर तैयार शिवम और बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल लेकर तैयार शिवम और एक और बॉल होगी डॉट। लगातार तो बॉल डॉट। तीसरी बॉल लेकर तैयार शिवम
और एक और अच्छी बॉल और एक और बॉल डॉट। चौथी बॉल लेकर तैयार शिवम, लगातार अच्छी गेंदबाजी। चौथी बॉल और बॉल ये भी होगी डॉट, जबरदस्त गेंदबाजी। पांचवी बॉल लेकर तैयार शिवम, सामना करेंगे शुभम। वो पैरों की तरफ बॉल और बॉल सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए 5 बॉल 1 छक्का लगाते हुए शुभम। अंतिम बॉल बाकी इस फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग की और बॉल हो जाएगी डॉट, 6 बॉलों पर 1 छक्का लगाने में कामयाब। 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए था। सुपरस्टार लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 2 छक्कों की जरूरत। बल्लेबाजी के लिए तैयार अब लोकेश मीना, 6 बॉल 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। पहली बॉल लेकर तैयार किशन और बॉल होगी डॉट, पहली बॉल डॉट। दूसरी बॉल और जबरदस्त गेंद, 2 बॉल लगातार डॉट और बेहतरीन गेंदबाजी और शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए। 4 बॉल 2 छक्कों की जरूरत। तीसरी बॉल और बॉल बॉडी की तरफ डालोगे तो बॉल सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी और एम्पायर का इशारा, दर्शकों का भी इशारा, 6 रन और 6 का और मुकाबला हो जाएगा टाई। जबरदस्त छक्का लगाते हुए लोकेश मीना, मुकाबला हो जाएगा टाई। 3 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत। चौथी बॉल और बॉल होगी वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार। 3 बॉल 1 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। दिल से धन्यवाद युवा गेंदबाज, काफी शानदार गेंदबाजी करिए इस पूरे टूर्नामेंट में। और 3 बॉल पर 1 सिक्स की जरूरत। चौथी बॉल लेकर तैयार किशन, चौथी बॉल लेकर तैयार और जबरदस्त बॉल और बॉल हो जाएगी डॉट, 2 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत और एक और जबरदस्त बॉल, लगातार बॉल डॉट पे डॉट होती हुई। 1 बॉल पर 1 छक्का मुकाबले को जीतने के लिए, 1 बॉल पर 1 छक्का मुकाबले को जीतने के लिए। अंतिम बॉल लेकर तैयार, 1 बॉल पर 1 छक्का मुकाबले को जीतने। अंतिम बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए और छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते और इस टूर्नामेंट के विनर रहेंगे लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को भी चीता ही कह देते हैं और इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हो जाएंगे लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली। और जबरदस्त प्रदर्शन करा दोनों ही युवा खिलाड़ियों ने, शुभम और किशन ने शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही खिलाड़ियों का। आगे बढ़ के खूब नाम कमाएंगे। किशन जबरदस्त गेंदबाजी करी इस युवा बल्लेबाज ने भी, गेंदबाज ने भी, और बेहतरीन गेंदबाजी करी शुभम किशन ने। शानदार युवा भविष्य की कामना करते हैं, इसके लिए बहुत ही बढ़िया मुकाबला रहा और शानदार मुकाबले रहे और लोकेश मीना और शिवम गौतम फ्रॉम दिल्ली टूर्नामेंट को जीतने में रहे कामयाब। जबरदस्त मुकाबला रहा। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। और पीटर 11 जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब रही, जबरदस्त बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी करी शिवम गौतम और लोकेश मीना ने। पीटर 11 इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब रही। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर हो तो फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर ले। क्रिकेट विद माइकल जबरदस्त मुकाबला रहा, एक बार फिर वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लें। क्रिकेट विद माइकल और ये पीटर 11 जो कि मुकाबले को जीतने में कामयाब रही, जबरदस्त खिलाड़ी रहे दोनों ही, एक भी मुकाबला नहीं हारे और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लें। क्रिकेट विद माइकल।